पैट्रिक बेटमैन, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, अपने कुछ मतलबी दोस्तों के साथ बैठ के बिजनेस की दुनिया की चुगलियां सुन रहा था। उनमें से एक बंदे ने यहूदियों पर कुछ गलत कमेंट किया, जिसके जवाब में पैट्रिक ने उससे कहा कि इस सब में यहूदियों का क्या लेना देना। लेकिन पैट्रिक की बात समझना तो दूर, बल्कि किसी ने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया। सिग्मा मेल रूल नंबर 007, जहां आपकी रेस्पेक्ट ना हो वहां बैठना बंद कर दो। इसके बाद ये लोग ड्रिंक्स के लिए बार में गए। यहां पैट्रिक को वेटर लड़की का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उस लड़की को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से लड़की उसकी बात सुन नहीं पाई। अगले दिन पैट्रिक का अपार्टमेंट दिखाते हैं जो बिल्कुल सफेद था। बेडशीट भी सफेद, तकिए के कवर भी सफेद, और यहाँ तक कि इसका कच्छा भी सफेद। लगता है ये बॉर्नविटा की जगह वॉशिंग पाउडर निर्मा पी के बड़ा हुआ है। सिग्मा मेल हमेशा सुबह वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वे नहाते भी है। शैम्पू ले लिया, बॉडी क्लीनर ले लिया, और चेहरे के लिए जेल ले ली। इसके बाद मॉइस्चराइजर, और फिर एंटी एजिंग क्रीम, और फिर फेस मास्क। सच्ची बताऊं भाई साहब, पैट्रिक बेटमैन किसी लुगाई से कम नहीं है। लौंडो, तुम्हें किसी क्रीम की जरूरत नहीं है, सिर्फ तौलिया और पानी पे टिके रहो। तो ये भाई साहब हनुमान चालीसा सुनते हुए ऑफिस पहुंचा, और फिर इसने अपनी सेक्रेटरी जीन को सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के लिए बोल दिया, और साथ ही साथ उसने जीन को छोटे कपड़े पहनने की सलाह दी, ताकि फुल कपड़ों में जो गर्मी अभी जीन को लग रही है वो बाद में पैट्रिक की आंखों को लग सके। इसके बाद ये पैर पे पैर रख के डोरीमोन देखने लगा। ऐसी जॉब के फॉर्म शायद गवर्नमेंट अपने बच्चों के लिए निकालती है। उसी रात पैट्रिक अपनी होने वाली बीवी एवलिन के साथ डिनर पे जा रहा था। एवलिन उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैट्रिक को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पैट्रिक की फियोंसे का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, और पैट्रिक का भी अपनी फियोंसे की बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी के साथ चक्कर चल रहा था। डिनर के बाद पैट्रिक ने मशीन में से पैसे निकाले और एक महिला का पीछा करने लगा। अगली सुबह पैट्रिक अपनी बेडशीट धुलवाने आया, जो खून में सनी हुई थी। दुकान वालों ने बेडशीट लेने से मना कर दिया, लेकिन पैट्रिक को उनकी भाषा समझ नहीं आई, इसलिए वो उन पे चिल्लाने लगा। तभी पैट्रिक की एक दोस्त वहां पर आ गई। उसने पैट्रिक से बेडशीट पे लगे दाग के बारे में पूछा, तो पैट्रिक ने कह दिया कि ये क्रैनबेरी जूस के निशान है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी से डिनर पर चलने के लिए पूछता है। कोर्टनी ने उसे मना कर दिया, लेकिन पैट्रिक ने हार नहीं मानी। उसने कोर्टनी से वादा किया कि वो उसे डोरसिया ले जाएगा। डोरसिया एक ऐसा होटल था जहां बिलगेट, मार्क जादूगर टाइप लोग आते थे। इसके बाद पैट्रिक ने डोरसिया में टेबल बुक करने के लिए फोन लगाया, तो दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। वैसे तो पैट्रिक की आए दिन बेइज्जती होती रहती थी, मगर इतनी तगड़ी बेइज्जती उसकी पहली बार हुई थी। हालांकि वो कोर्टनी को डिनर पर ले गया, और कोर्टनी इतने नशे में थी कि उसे लगा वो डोरसिया में डिनर कर रही है। अगले दिन कोर्टनी के फियोंसे ल्यूक ने पैट्रिक से कहा कि आखिर तुम्हें डोरसिया में टेबल कैसे मिल गई। पैट्रिक भी लाइक जलवा है हमारा। इसके बाद ल्यूक उसके सूट की तारीफ करने लगा, और जैसे ही उसने पैट्रिक का सूट टच किया, वैसे ही पैट्रिक ने उसे धमका दिया। उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी इजाजत के बिना उसे टच करे। फिर यहाँ पर पॉल एलन आ गया, जिसने पैट्रिक को मार्कस समझ लिया। मार्कस भी यहीं पर काम करता था। पैट्रिक ने एलन को करेक्ट नहीं किया, और मार्कस ही बना रहा। इसके बाद पैट्रिक ने बड़ी शान से अपना बिजनेस कार्ड दिखाया, लेकिन उसके साथियों ने उसके कार्ड की ज्यादा तारीफ नहीं करी, बल्कि वे लोग उसे अपना अपना कार्ड दिखाने लगे, जो वाकई में पैट्रिक के कार्ड से बढ़िया थे। ये देखकर पैट्रिक की हालत खराब होने लगी। कॉम्पिटिशन और जेलेसी उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और जब पैट्रिक ने पॉल एलन का कार्ड देखा तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ऊपर से उसे स्वेटिंग और होने लगी। रात में पैट्रिक को एक भिखारी दिखा। हे, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? आखिर तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास दो हाथ है, दो पैर है, और फिर भी तुम भीख मांग रहे हो? ऐसे कैसे काम चलेगो? मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें आज के बाद फिर कभी भूख नहीं लगेगी। ये कहते हुए पैट्रिक ने अपने बैग में से चाकू निकाला और भिखारी के पेट में घुसा दिया। जाने से पहले उसने भिखारी पर दो चार लात भी बरसा दी। पैट्रिक कहने को तो सिग्मा मेल है, पर उसमें लुगाइयों वाली सारी क्वालिटी है। क्रिसमस पार्टी में पैट्रिक ने पॉल से बात करी। पॉल उसे अभी भी मार्कस समझ रहा था। जब पैट्रिक की फियोंसे एवेलिन ने उनकी बात सुनी, तो उसने पैट्रिक से पूछा कि पॉल एलन उसे मार्कस क्यों कह रहा था। पैट्रिक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो पॉल के साथ डिनर करता है, वो भी डोरसिया में। पॉल की इतनी तगड़ी बातचीत थी कि उसे डोरसिया में टेबल मिल गई। वो एवेलिन एकदम मस्त लड़की है, पता नहीं वो उस लूजर पैट्रिक बेटमैन के साथ क्या कर रही है। इसके बाद पैट्रिक उसे अपने घर ले आया। पॉल ने इतनी पी रखी थी कि उसे कुछ होश नहीं था। इधर पैट्रिक ने रेनकोट पहना और कुल्हाड़ी लेकर मून वॉक करने लगा।
फिर उसने म्यूजिक तेज किया और डांस करते करते वापस कुल्हाड़ी उठा ली। हे पॉल, अब कर डोर से हमें टेबल बुक, साले सुअर की औलाद। इसके बाद पैट्रिक पॉल की बॉडी को एक बैग में घसीटते हुए अपार्टमेंट के बाहर ले आया। वहां उसे लुइस मिल गया जब वो बॉडी को कार के ट्रंक में डाल रहा था। लुइस ने पैट्रिक से सिर्फ एक बात पूछी कि तुम्हें इतना अच्छा ओवरनाइट बैग कहां से मिला। इसके बाद पैट्रिक पॉल एलन के अपार्टमेंट में आ गया। उसने एक सूटकेस लिया और उसमें कपड़े भरने लगा ताकि किसी को पॉल के गायब होने पर शक ना हो। फिर उसने पॉल की आवाज में एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया कि वो लंदन जा रहा है। अगले दिन पैट्रिक की सेक्रेटरी ने बताया कि उससे मिलने डिटेक्टिव आया है। पैट्रिक ने डिटेक्टिव के आने से पहले दिखावा किया कि वो फोन पर बिजी है। थोड़ी देर बाद उसने डिटेक्टिव से बात की। डिटेक्टिव यहाँ पॉल एलन के लापता होने के केस को लेकर आया था। उसने पैट्रिक से पॉल के बारे में पूछा, पर पैट्रिक ने दिखावा किया कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। डिटेक्टिव ने उसे बताया कि हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि पॉल लंदन में है, लेकिन क्रॉस चेक करने के बाद ये जानकारी गलत साबित हो गई। ये सुनकर पैट्रिक के तोते उड़ गए। उसने डिटेक्टिव से कहा कि मेरी एक मीटिंग है, इसलिए हम फिर कभी बात करेंगे। घर जाकर उसने वर्कआउट किया और फिर सड़क से एक प्रोस्टिट्यूट को उठा लिया और फिर कॉल करके दूसरी प्रोस्टिट्यूट को भी बुला लिया। पैट्रिक ने उन दोनों को अपना नाम पॉल एलन बताया। इसके बाद वो कैमरा लाया और लड़कियों को शूट करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। पैट्रिक इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड था कि वो खुद को ही निहारे जा रहा था। रात में पैट्रिक उठता है और फिर ड्रॉर में से कुछ टूल्स निकालता है जिनसे उसने उन दोनों लड़कियों को टॉर्चर किया और वे सुबह होते ही अपनी अपनी पेमेंट लेकर भाग गई। अगले दिन लुइस ने पैट्रिक को अपना नया बिजनेस कार्ड दिखाया जिसे देखकर पैट्रिक की जलकर राख हो गई। वो लुइस के पीछे पीछे बाथरूम में पहुंच गया। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन लुइस को लगा कि पैट्रिक उसे पसंद करता है। इस बात से पैट्रिक का दिमाग खराब हो गया और वो वहां से चला गया। अगले दिन डिटेक्टिव पैट्रिक के ऑफिस में आता है। डिटेक्टिव यहाँ फिर से पॉल एलन के बारे में बात करने आया था। उसने पैट्रिक से पूछा कि जिस रात पॉल गायब हुआ उस रात वो कहाँ पे था। पैट्रिक ने कह दिया कि वो डेट पर गया था, लेकिन डिटेक्टिव के हिसाब से वो डेट पर नहीं गया था। पैट्रिक ने माफी मांगी और कहा कि ये काफी टाइम पहले की बात है, इसलिए उसे ठीक से कुछ याद नहीं। खैर, पैट्रिक ने किसी दिन डिटेक्टिव को लंच पर मिलने के लिए कहा। काम के बाद पैट्रिक नाइट क्लब गया जहां उसे तीन मॉडल्स मिली। उनमें से एक ने उससे उसके काम के बारे में पूछा तो पैट्रिक ने कहा कि वो मर्डर्स और एग्जीक्यूशंस करता है, लेकिन मॉडल ने सुना कि वो मर्जर्स और एक्विजिशंस करता है। इसके बाद वो मॉडल को अपने साथ ले गया। अगले दिन पैट्रिक ने अपनी सेक्रेटरी को डेट के लिए पूछा। उसने फुल चौड़ में कहा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो बताओ। सेक्रेटरी भी लाइक, कहीं भी ले जाओ आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब पैट्रिक बार बार पूछता रहा तो सेक्रेटरी ने कह दिया कि डोरसिया बढ़िया रहेगा। पैट्रिक ने उसके सामने डोरसिया में फ़ोन लगाया। हालांकि डोरसिया वालों ने हंस के फ़ोन काट दिया, लेकिन पैट्रिक ने ऐसा दिखाया कि जैसे उसे डोरसिया में टेबल मिल गई हो। रात में पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी जीन को अपने अपार्टमेंट में ले आया। उसने एक नेल गन उठा ली और जीन के पीछे एक नेल गन लेकर खड़ा हो गया। इससे पहले वो उसे शूट करता, आंसरिंग मशीन पर पैट्रिक की फ्योन से एवलिन का मैसेज प्ले हो गया। ये सुनकर जीन को लगा कि पैट्रिक अभी भी रिलेशनशिप में है, इसलिए वो वहां से चली गई। अगले दिन पैट्रिक डिटेक्टिव के साथ लंच पे जाता है जहां डिटेक्टिव ने उसे बताया कि जिस रात पॉल एलन गायब हुआ उस रात उसने मार्कस के साथ डिनर किया था। ऑब्वियसली मार्कस जिसकी बात डिटेक्टिव कर रहा है वो पैट्रिक ही था, इसलिए ये सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन जब डिटेक्टिव ने उसे बताया कि अब वो इस केस में सस्पेक्ट नहीं है तो पैट्रिक ने चैन की सांस ली। रात में पैट्रिक ने फिर उसी प्रोस्टिट्यूट को चलने के लिए पूछा जिसे उसने पिछली बार टॉर्चर किया था। पहले तो लड़की ने मना कर दिया, लेकिन पैसों के लालच में वो पैट्रिक के साथ चल दी। अपार्टमेंट में एक और लड़की पहले से मौजूद थी, बिल्कुल पिछली बार की तरह। पैट्रिक दोनों लड़कियों को पॉल के अपार्टमेंट में ले आया था और उसने उन्हें अपना नाम भी पॉल एलन बताया। उसने लड़कियों की ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला दी और फिर मनोरंजन शुरू। रात में पैट्रिक दूसरी लड़की के साथ था, उसी वक्त प्रोस्टिट्यूट वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक पैट्रिक ने उस दूसरी लड़की को मार डाला। प्रोस्टिट्यूट ने पैट्रिक को खून में सना हुआ देखा और वो पीटी उषा की तरह वहां से भागने लगी। प्रोस्टिट्यूट को दूसरी लड़कियों की भी बॉडीज मिल गई जिन्हें पैट्रिक ने मारा था। फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। पैट्रिक चेनसो लेकर उसका पीछा कर रहा था। इससे पहले वो लड़की भाग पाती, पैट्रिक ने ऊपर से उस पर चेनसो गिरा दिया और उस प्रोस्टिट्यूट की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन अपनी फियोन से एवेलिन से ब्रेकअप करने के बाद पैट्रिक एटीएम मशीन पर गया जहां उसे एक बिल्ली मिली और फिर उसने एटीएम मशीन पर लिखा हुआ देखा कि उसे बिल्ली खानी है। वो बिल्ली को मशीन में डालते हुए शूट करने वाला था, तभी एक बुढ़िया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। पैट्रिक ने बिल्ली की जगह बुढ़िया को ही शूट कर दिया
और फिर उसके पीछे पुलिस पड़ गई। पहले तो उसने पुलिस से बचने की काफी कोशिश की, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो घिर गया। उसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही गोलियां चला दी और फिर पुलिस की कार में धमाका हो गया, जिसे देखकर पैट्रिक भी एक बार को चौंक गया। इसके बाद वो सीधा अपने ऑफिस गया, जहां उसने पहले सिक्योरिटी वाले को मार दिया और फिर सफाई वाले को भी। अब वो अपने कैबिन में आ गया। पुलिस के हेलीकॉप्टर ठीक उसकी बिल्डिंग के बाहर घूम रहे थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पैट्रिक ने अपने लॉयर को फोन किया और उसे बताया कि उसने पॉल एलन को मारा है और साथ ही साथ 30-40 और लोगों को भी। पैट्रिक ने यह भी बताया कि उसने उनमें से कई लोगों के ब्रेन और बॉडी पार्ट्स भी खाए थे। अगली सुबह पैट्रिक पॉल एलन के अपार्टमेंट में गया। उसने अंदर घुसने से पहले मास्क लगा लिया, लेकिन अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। उसे वहां अपने किए हुए क्राइम्स का एक भी सबूत नहीं मिला, ना बॉडीज ना ब्लड। तभी यहाँ एक रियल्टर आ गई जो इस अपार्टमेंट को बेचने वाली थी। उसने पैट्रिक को यहाँ से जाने के लिए कहा और कहा कि फिर कभी लौट के मत आना। इसके बाद पैट्रिक ने अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाया और उससे मदद मांगी। जब जीन ने उससे जानने की कोशिश करी कि उसे क्या हुआ है, तो पैट्रिक उस पर ही भड़कने लगा। पैट्रिक का बिहेवियर देखकर जीन परेशान हो गई और फिर वो उसके ऑफिस में ताका झाकी करने लगी। वहां से पैट्रिक की एक नोटबुक मिली, जिसमें पैट्रिक ने अपने किए हुए मर्डर्स की अजीब सी ड्राइंग्स बना रखी थी। इसी बीच पैट्रिक रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां उसके बाकी साथी भी बैठे हुए थे। उसे वहां उसका लॉयर भी दिख गया। पैट्रिक ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लॉयर ने उसकी कही हुई किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। इवन लॉयर को तो लग रहा था कि पैट्रिक उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। पैट्रिक ने उसे बताया कि उसने ही पॉल एलन का मर्डर किया है। इस बात पर लॉयर सीरियस हो गया और उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने 10 दिन पहले लंदन में पॉल के साथ डिनर किया था। अब पैट्रिक कंफ्यूज था, उसे नहीं पता कि उसके किए हुए मर्डर्स हकीकत थे या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन। उसे लग रहा था कि ये दुनिया फेक है, जो उसकी रियलिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके हिसाब से दुनिया इतनी फेक थी कि उन्हें एक दूसरे के असली नाम भी याद नहीं रहते थे। सबको बस अपने काम और पैसे से मतलब था। वे सब बैठते तो साथ थे, लेकिन उनके बीच कॉम्पिटिशन और जेलेसी की दीवारें खड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पैट्रिक ने सच में खून करे थे या ये सब उसकी इमेजिनेशन थी? मेरे अकॉर्डिंग 70-30 है, मतलब 70% ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और 30% उसने खून करे थे। इमेजिनेशन इसलिए थी क्योंकि जब वो प्रोस्टिट्यूट के पीछे भाग रहा था तो पूरा अपार्टमेंट खाली था, किसी को प्रोस्टिट्यूट के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? और ना ही ये पता चला कि पैट्रिक के पास गन कहाँ से आई, और उसने एक छोटी सी गन से पुलिस की 2 कार उड़ा दी। ये देखकर तो खुद पैट्रिक भी हैरान था, और वो ATM मशीन वाला सीन भी, जहाँ ATM मशीन पैसे के बदले उससे बिल्ली की कुर्बानी मांग रही थी। अरे ATM मशीन है वो, कोई सुपर पावर नहीं जो जानवरों की कुर्बानी मांगेगा। और 30% उसके मर्डर सच हो सकते हैं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि पॉल के अपार्टमेंट को रेनोवेट कराया गया था, और जिस तरह से रियल्टर ने उसे वहां से जाने के लिए कहा था, उससे लग रहा था कि रियल्टर काफी कुछ जानती है, लेकिन पैसे के लालच में उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि इस अपार्टमेंट में मर्डर हुए हैं, तो कोई भी उस अपार्टमेंट को नहीं खरीदेगा। सो इस पर्टिकुलर सीन से लगता है कि 1-2 खून तो जरूर किए होंगे पैट्रिक ने। खैर, मूवी ये बताना चाह रही है कि कैसे कॉरपोरेट की दुनिया में लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ना तो उन्हें एक दूसरे के नाम याद रहते, और दोस्ती की बात तो छोड़ ही दो। इवन वे सब एक दूसरे का बिजनेस कार्ड देखकर भी जल रहे थे, मतलब कितना टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल है। सोचो, आपको रोज उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़े जो आपकी कामयाबी से जलते हैं। सपोर्ट करना तो दूर, बल्कि वे सब आपको पीछे खींचना चाहते हैं। तो यही लाइफ स्टाइल है कॉरपोरेट की दुनिया का, जहाँ मैटेरियलिज्म भरा हुआ है। डोरसिया होटल का बढ़िया एग्जाम्पल दिया इन्होंने। खाना तो कहीं भी खाया जा सकता है, लेकिन अपनी झूठी इज्जत और शान के लिए वे लोग डोरसिया में जाने के लिए मरे जा रहे थे। इवन पैट्रिक ने पॉल को भी इसलिए मारा था क्योंकि उसने डोरसिया में टेबल बुक कर ली थी, जो पैट्रिक नहीं कर पाया। तो आई होप आपको इस मूवी से पता चला होगा कि सिग्मा मेल वही है जो इस मूवी में नहीं दिखाए गए। और मुझे पता है कि वीडियो बहुत दिन बाद आई है, लेकिन अब आपका भाई रेगुलर रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।